मतलब बी स्मार्ट, ठीक है, ये है नेक्स्ट पॉइंट, बी स्मार्ट. नाउ व्हाट इज, व्हाट इज मीन, व्हाट डज इट मीन बाय बी स्मार्ट? सर बहुत स्मार्ट हूं सर मैं तो, है ना, तो ऐसे ही वाला बात, ऐसा वाला स्मार्ट नहीं चाहिए मेरे को चाहिए बी स्मार्ट. मतलब यू शुड नो दिस, यू शुड नो दिस कि आपको आपका टाइम कहां इन्वेस्ट करना है. माइट भी हो सकता है आप घर से दूर रह के पढ़ रहे होगे, बहुत ज्यादा दूर रह के पढ़ रहे होगे, और अगर आपको बोला जा रहा है कि यार चलना बोले करके चलते हैं, तो नहीं जाना है करके, ठीक है, तो आपको स्मार्ट रहना बहुत जरूरी है. कई बार ऐसा होगा कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, किसी से भी आप रैंडमली पढ़ रहे होगे, लेकिन क्या होगा कि उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, किसी और जगह स्टार्ट हो जाएगा, और आप स्विच कर दोगे. आपने पता है क्या कर दिया, आपने जो शुरू के 20 लेक्चर पढ़े थे, 20 घंटा टाइम दिया था, 20 घंटा भी नहीं होगा वो, 20 घंटे से ज्यादा ही होगा, आपने ना उस नॉलेज को किल कर दिया है, और अब आप उस कंफ्यूजन वाले स्टेट में हो कि वो टीचर ना एक चीज को साय बोलता था, दूसरा टीचर उस चीज को फाय बोल रहा है, और मैं उस चीज से ओवरकम ही नहीं कर पा रहा हूं सर, अब मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है. आप भी आगे निकल गए हो और वो तो फिर सर पढ़ा ही रहे करके, तो ना आपको स्मार्ट होना पड़ेगा. अब कई बार आपसे बोलेंगे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, सर नोट्स बनाएंगे सर, अब तो हम, अब हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, अब हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे. बेटा अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, अगर आप 6 महीने पहले स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, लेकिन अगर आपने अभी स्टार्ट किया है ना, तो अब वो शॉर्ट नोट वाला टाइम नहीं है, अब आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा. और ना एक स्मार्ट स्टूडेंट ही होता है जो गेट रैंक क्रैक कर पाता है. मतलब मैं उन लोगों के लिए बात ही नहीं कर रहा हूं जो लोग ना अभी लेके बैठेंगे, 4 सब्जेक्ट कर पाएंगे, फुल 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 डेप्थ में पढ़ेंगे, 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद बोलेंगे यार सर पता नहीं सर पूरी मेहनत करी थी सर सिलेक्शन नहीं हुआ. वो चाहिए ही नहीं हमको, उन लोगों का है ही नहीं गेम में कोई भी रोल, है ना. तो हमको पता है कि एक स्मार्ट स्टूडेंट को, भाई आपको पता है कि जब आप मैराथन नहीं रन कर पाते हो तो ना आपको जान पूछ के 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो ना आप 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करो. आपको ये स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा अपने चॉइस सब्जेक्ट सिलेक्शन में कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट किस से पढ़ना है. बहुत बार ऐसा होता है कि आप ना आप उठा लेते हो करके कोई भी एक सब्जेक्ट, किसी आपके फ्रेंड ने बोला यार वो सर बहुत गजब का पढ़ा रहे करके, अब उसके लिए उसका जो सेंस ऑफ लर्निंग है, उसका जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत गजब है उनके साथ, लेकिन क्या आपका भी सेम है? तो आपको ना ये चीज बहुत जज करने की जरूरत है कि, और YouTube पे आपको ये कोई बात नहीं बता रहा होगा, YouTube पे सब पढ़ा रहे होंगे, सब पढ़ा रहे होंगे, कुछ पढ़ा रहे होंगे और अपना सबका देख डाल रहे होंगे, बट अपना सिलेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे. चूज वन हु विल गाइड यू थ्रू आउट द जर्नी, जो आपको वहां तक पिनाकल तक पहुंचा देगा करके. तो आई एम सजेस्टिंग यू बी स्मार्ट एज स्मार्ट एज यू कैन. ठीक है, ठीक है, यहां तक की तो बात समझ में आ गई, ठीक है. अरे क्या बोलते हैं, अमन तुम्हारा मैं बता देता हूं, तुम्हारे हो गए होंगे ना 100 रुपए वाले 3 मैसेज हो गए होंगे पूरे तुम्हारे, ज्यादा करोगे क्या मतलब है, आज टीचर्स डे पे कुछ वो होगा शायद तुम्हारा 50% ऑफ वाला कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव है क्या आज? ठीक है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है क्या चाह रहे हो तुम. जडेजा आउट हो गया, हो गया होगा भाई, क्या फर्क पड़ता है, वो तो अभी अगले मैच में बना लेगा, तुम्हारा क्या होने वाला है, तुम्हारा 100 से 150 भी नहीं होगा, अभी 120 कर देंगे तुम्हारा, बोलेंगे चलो अच्छा काम किया तुमने. ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं. तो अगली बात करते हैं हम लोग. तो मैंने बोला स्मार्ट, आपको आपके सेंस में स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको अपने चॉइसेस में स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन में स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा. कुछ लोग आपको, मैं एक बहुत ही वार्निंग दे रहा हूं, इस वार्निंग को ना आप एकदम क्लियरली समझना, ये वार्निंग आपको क्यों दे रहा हूं मैं, ये वार्निंग ये है कि बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, ऐसा टाइप करेंगे गूगल पे जाके हाइड्रोलॉजी, गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे हाइड्रोलॉजी क्वेश्चंस, ये लिख देंगे हाइड्रोलॉजी क्वेश्चंस, ठीक है सर, हाइड्रोलॉजी क्वेश्चन लिख देंगे, वहां पे ना पीडीएफ आ जाएंगी बहुत सारी हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चंस की, इस क्वेश्चन के एक पीडीएफ को उठाएंगे, इसमें 70 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है सर 70 क्वेश्चन लगाऊंगा सर मैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना मेरे को, बट ना ये गूगल पे जाके लिखने का ना कोई मतलब नहीं है. क्या ये किसी ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट ने दिया? नहीं दिया. क्या किसी ऑथेंटिक एजुकेटर ने दिया? यू नेवर नो, हो सकता है आपके दोस्त ने एक प्लेटफॉर्म बनाया हो करके, जो अब अपना करियर यहीं पे स्टार्ट करना चाह रहा हो, तो इट इज नॉट ऑथेंटिक. मतलब कई बार मैंने देखा है कि आपके ग्रुप्स में मैसेजेस में आएगा करके कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करो करके, तो अगर आपको दिख रहा है ना कि वो कहीं नेट से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो आपके लिए कोई मतलब का नहीं है वो. यू शुड गो फॉर ऑथेंटिक सोर्सेस, ऑथेंटिक सोर्सेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है. तो इस बात को बहुत वार्निंग कंसिडर करना, क्योंकि लोग ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लग जाते हैं, जो उनके बने बनाए कंसेप्ट है ना उनको भी भूल जाते हैं करके. ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गया, ये भी बात हमारे समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक की तो बात हमको समझ में आई.